यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए कुछ मेथड्स हैं और कुछ किस की हेल्प से हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और जैसे न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला हुआ, सिम्पसन वन थर्ड रूल हुआ, सारे जो फॉर्मूले थे उनकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन निकालना से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के ऊपर, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होगा वो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से। तो फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं, हमें एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1.1, यानी एक्स इक्वल टू 1.1 पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फ्रेंड्स, जो टेबल है वो है हमारे पास x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0.00, 1.2 पर y की वैल्यू 0.1280, x बराबर 1.4 पर वैल्यू है y की वो है हमारे पास 0.5440 एंड x बराबर 1.6 पर जो वैल्यू है वो है 1.2960 एंड x बराबर 1.8 पर जो वैल्यू है वो है 2.4320 एंड x बराबर 2 पर जो वैल्यू है वो है 2.0। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो कोई फंक्शन हो सकता है हमारे पास, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू दे दी है हमें, पर बट हमें फंक्शन नहीं पता। तो फ्रेंड्स, हमने फंक्शन कैसे निकालते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सीधा बिना फंक्शन निकाले उसका डेरिवेटिव निकालेंगे कि इस फंक्शन इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव ये होगा, हमें ये निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम वही जो इंटरपोलेशन टेबल बनाते हैं, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल वही बनाएंगे। यह h बराबर 0.2 यानी जो डिफरेंस है वो इक्वल है, 1.2 का डिफरेंस है, तो देख रहे तो 1.2 माइनस 1 0.2 आता है, 1.4 माइनस 1.2 0.2 आता है, 1.6 माइनस 1.4 0.2 आता है, इक्वल डिफरेंस है। तो फिर h बराबर होगा यहाँ पे 0.2, ए यानी जो फर्स्ट पर जो है हमारे पास वैल्यू वो है हमारे पास 1 इनिशियल वैल्यू, और x बराबर 1.1 पे हमसे वैल्यू पूछी गई है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फॉर्मूले में हमें क्या भी देखना होता है कि हम कब न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला लगाएं, कब बैकवर्ड फार्मूला लगाएं। तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड फार्मूला तब लगाते हैं जब जो वैल्यू हमसे पूछी गई होती है और वो इक्वल टू एन नियरेस्ट वैल्यू जो कि फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1.1 पूछी है तो हम इसमें हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे। अगर इसमें ये 1.6 या 1.5 के बाद पूछी होती, 1.5 के बाद पूछी होती तो हम बैकवर्ड फार्मूला लगाना ज़्यादा ईजी समझते हैं। तो इसमें हमारे पास 1.1 पे पूछे तो हम फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे। तो पहले तो फॉरवर्ड फार्मूला हो या बैकवर्ड हो, हमें इंटरपोलेशन टेबल निकालनी होती है। तो ये टेबल जो होगी, इसको निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू रख लेते हैं और उसके इक्वल में वाई की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं 1 यानी कि 0.1280 में से 0 घटाएं, कि एफ एक्स 1 में अगर इसको हम दे दें, इसको हम एक्स 0 एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 एक्स 5 दे दें तो हमें चाहिए एफ एक्स 1 में से एफ एक्स 0 निकालते हैं, माइनस करते हैं, उसके बाद एफ एक्स 2 में से एफ एक्स 1 माइनस करते हैं, उसके बाद एफ एक्स 3 में से एफ एक्स 2 माइनस करेंगे। इस तरह से हर किसी के डिफरेंस यहाँ निकालते हैं। उसके बाद डिफरेंस निकालने के बाद हम सेकंड डिफरेंस निकालना होता है। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, जो फर्स्ट डिफरेंस होता है उनमें उनका डिफरेंस, यानी इनका डिफरेंस ये रखा हमने, इनका डिफरेंस ये रखा, इन दोनों का डिफरेंस इनके बीच में रखा, इन दोनों का डिफरेंस इनके बीच में, इस तरह डेल क्यू वाई निकाला हमने थर्ड डिफरेंस, इस तरह फोर्थ डिफरेंस जो आ गया हमारे पास वो 0 आ गया। अब फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला क्या है और कैसे यूज होता है। तो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला जो होता है वो ये रहा हमारे पास, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला जो होता है एफ ए प्लस एक्स एच, यानी एफ ए प्लस एक्स एच पे किसी फंक्शन की वैल्यू जो निकालनी होती है उसको निकालते हैं, एफ ए प्लस एक्स सी वन डेल एफ ए प्लस एक्स सी टू डेल स्क्वायर एफ ए एक्स सी थ्री डेल क्यू एफ ए प्लस डॉट डॉट चलता जाता है इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे पास। और अगर इसको दूसरी फॉर्म में लेना चाहें, क्योंकि ये कम्युनिक
कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, अगर इसको उसके खोल के रखेंगे तो ये एक्स एक्स माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, इस तरह एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, मतलब एन सी आर को हमने खोल दिया, सिंपली एक्स सी आर को खोल के हमने इसको रख दिया। अब फिर ए बराबर वन है, एक्स बराबर वन अपॉन टू, एक्स बराबर जीरो पॉइंट टू, एक्स बराबर कैसे आया हमारे पास ये फिर जो हमने एक्स बराबर लिखा है, ये जो एक्स है वो है हमारे पास जिस पे वैल्यू पूछी है, बट हमें इसके अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एफ 1.1 चाहिए, यानी एफ ए प्लस एक्स एच बराबर क्या है, ए प्लस, इसको हम डिफरेंस करने के लिए एक्स डैश दे देते हैं, तो एक्स डैश दे दिया तो ये सभी जगह एक्स डैश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा एफ ए प्लस एक्स एच बराबर क्या है, एफ 1.1 पे वैल्यू पूछी है, तो ए बराबर क्या था हमारे पास 1 प्लस एक्स एक्स डैश लिया इसको, और ये हमने एच एच को क्या 0.2 बराबर 1.1, और यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली तो एक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो फ्रेंड्स फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 1/2 होगी यहाँ से। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने क्या क्या फॉर्मूले में सिंपली एक्स की वैल्यू, पहले तो उसको हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन का एक्स के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ ए यानी कोई फंक्शन पर वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी वैल्यू है बट ये इसका एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर ये हट जाएगा और डेल एफ ए आ जाएगा ओनली। इसको हम देखते तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसको हम पूरा देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये हमने टू एक्स माइनस सॉरी यहाँ पे हमने ये लिखा टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, इस तरह इसको सेकंड का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू अपॉन सिक्स फैक्टोरियल डेल क्यू एफ एक्स, ये आ गया हमारे पास एच एफ डैश एक्स ए प्लस एच यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पे, क्योंकि इधर की साइड में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास क्या होगा एफ ए प्लस एक्स एच है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सॉरी ए प्लस एक्स एच, अब अंदर वाले पार्ट का भी डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी ए प्लस एक्स एच, तो ये हो जाएगा एफ डैश ए प्लस एक्स एच, अब इसका हो गया हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका करना है हमें तो एक्स का एक्स एच का एक्स एच हो जाएगा सॉरी एच हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने अगेन सेकंड डिफरेंस डेरिवेटिव निकाला विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हमें इसका करना है जो फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो उसका हमें फिर से एच के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के बजाय एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए प्लस एक्स एच डेल स्क्वायर एफ ए इसका किया, और इसका करेंगे तब एक्स माइनस ए डेल क्यू एफ ए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास ये आ गई, ये वैल्यू आ चुकी है, अब हमें चाहिए हमारे पास 1.1 पे चेक करना है, तो 1.1 पे चेक करने के लिए पहले x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो इस फंक्शन में हम x रख रहे हैं वो कौन सा फंक्शन है, तो ये हमने रखा 1 प्लस एक्स 0.2, तो यहाँ पे 1 की x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। अब फ्रेंड्स x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/2, तो अगर एक्स वैल्यू अगर 1/2 इसमें रख देते हैं सारी वैल्यूज तो ये हमारे पास 1.1 आ जाएगा, एफ की वैल्यू 1.1 पे हमें निकालनी है, एफ डैश की वैल्यू एफ डबल डैश की वैल्यू, तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा इसमें रखा हमने सॉरी इसमें फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखा हमने, तो सेकंड इक्वेशन में रखने पर हमारे पास आ जाएगा एच एफ डैश ए प्लस एक्स एच की वैल्यू, तो एच ही क्या थी 0.2 एफ 1.1 इक्वल टू 1. सारी वैल्यू रखी 1. डेल एफ क्या था हमारे पास डेल एफ एंड डेल वाई ये रहा, उसके बाद सेकंड में हमारे पास जीरो आ गया क्योंकि हमारे पास जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 तो 1/2 से ये हो जाएगा -1/2 यानी 1-1 0 ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा 1/6 3 × 1/4 -6 × 1/2 +2 और ये वैल्यू डेल क्यू वाई की 0.480। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f(1, f'(1,1) की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.630। इसी तरह फ्रेंड्स हमारे पास अगर हम थर्ड इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें
इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पे एफ डबल डैश ए प्लस एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 6.60। फ्रेंड्स आपको अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9460689761। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और साथ ही मेरी ईमेल आईडी है SITESHMEENA00155@gmail.com। तो आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।